युवा कल्याण विभाग ने 4 दिवसीय खेल महाकुंभ के दूसरे दिवस अंडर 17 वर्ग की बालक और बालिका वर्ग के एथलीट खो खो कबड्डी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में पांखू थल पाताल भुवनेश्वर पुराना थल चौड़मन्या सहित आदि क्षेत्रों के खेल प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। दूसरे दिवस की प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि चारूपन ने किया और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की सराहना करते हुए खेलों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की अपील की। कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, सारे विभाग के लोग लगे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है गांव का उत्थान, नौजवान जो युवा है हमारा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है, युवाओं को निखारा जा रहा है। सरकार का कार्य सराहनीय है। युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में शिक्षा विभाग के हमारे गुरुजी लोग, सभी लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं, नौजवानों की प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं। इनको मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। यहां पे जो सुविधा है बहुत अच्छी है और मैंने स्टेट लेवल पे अभी पार्टिसिपेट किया था जर्विन थ्रो पे, तो मैं वहां पे फर्स्ट पोजीशन निकली हूं। और उसके बाद यहां पे जो सुविधा है बहुत सही है और यहां हमारे लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए आगे को भी। जनपद बागेश्वर अंतर्गत खेल मैदान कपकोट में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद महाकुंभ का उद्घाटन कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया और ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने किया। वहीं ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ में कपकोट के 13 से अधिक न्याय पंचायत के स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। खेल महाकुंभ में जनप्रतिनिधियों ने खेल प्रतिभागियों को बेहतरीन खेल प्रदर्शन कर उनके उज्ज्वल भविष्य और जिला स्तरीय महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ब्लॉक और जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। बताइए सर, खेल महाकुंभ 2024-25 खंड स्तरीय खेल शुरू हो गया है, तो मैं सबसे पहले अपने सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हुए सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। आयोजक टीम को और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार अभिनंदन वंदन करते हुए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने खेल को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी दिशा में उत्तराखंड खेलो इंडिया के तहत आगे बढ़ना चाह रहा है और हमारे जो युवा हैं उनके अंदर एक अलग तरीके का जोश इस आयोजन के तहत हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है। जो खेल महाकुंभ है इसके तहत हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है और सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे, आगे बढ़े, एक सशक्त नागरिक के रूप में आगे उभर कर आए, ऐसी हम सब लोगों की भावनाएं हैं और हम आगे के दिनों में इसी माध्यम से आगे बढ़कर उत्तराखंड को मजबूत करने का काम करेंगे और भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पानी बो पानी उगाओ अभियान के संयोजक मोहन चंद्र कांडपाल के नेतृत्व में आदर्श इंटर कॉलेज सुरई खेत के विद्यार्थियों ने विज्ञान, पर्यावरण व सामाजिकता पर आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें सरला बहन की पुण्यतिथि पर आयोजित जलवायु परिवर्तन की व्याख्यान माला में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्हें इतिहासकार शेखर पाठक व भूगर्भीय वैज्ञानिक नवीन जोयल ने जलवायु परिवर्तन को विस्तार से बताया। साथ ही अनाशक्ति आश्रम में गांधी जी के संग्रहालय को देखकर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। वहीं विशेषज्ञों ने गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में पर्यावरण से संबंधित किए जा रहे शोध कार्यों की भी जानकारी दी। ताड़ीखेत विकासखंड ऑफिस के समीप चाय की दुकान के पास हो रहे अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर वन विभाग रानीखेत रेंज की एक टीम मौके पर पहुंची। मौके के पास रिजर्व वन भूमि में अतिक्रमण कर लोहे के एंगल गाड़कर दुकान की तरह एक खोखा बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसे आज वन विभाग टीम ने चल रहे कार्य को मौके पर जाकर रोका। वहीं जांच टीम ने कार्य करा रहे व्यक्ति को अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। ताड़ीखेत क्षेत्र में हमारे कठालीक बीट पड़ता है। कठालीक बीट में जो है पिछले 1-2 दिनों से एक शिकायत थी कि किसी चाय की दुकान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जिसके द्वारा जो है वहाँ पर कुछ क्षेत्र में रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण की संभावना जताई गई थी। हमें इसका शिकायती पत्र जो है ब्लॉक से प्राप्त हुआ था और रानीखेत तहसील से प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत हमने एक जांच टीम गठित करके वहाँ टीम मौके पर भेज रखी है और जो भी उसमें निकल के आता है अगर वो बताते हैं कि वाकई वहाँ पर अतिक्रमण करने की संभावना है या किया जा रहा है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्डेंस जो है तहसील से और ब्लॉक से किया जाएगा। उत्तराखंड में कुमाऊं की काशी के नाम से शुमार बागनाथ नगरी बागेश्वर के सरयू गोमती संगम तट पर श्रद्धालुओं ने बूढ़ी दीपावली मनाई। इस दौरान सैकड़ों दियों से सरयू गोमती संगम जगमगा उठा। दरअसल पूरे उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिनों बाद इगास व बूढ़ी दीपावली मनाई जाने की परंपरा है, जिसकी मान्यता काफी पुरानी है और दूर दूर से प्रवासी ये पर्व मनाने के लिए अपने गाँव पहुँचते हैं।
यहाँ पर एक दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, उसका उद्देश्य यही है तो गंगा या उसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं उसको हम लोग साफ सुथरा रखें। और उसी के क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने एक संकल्प भी अभी लिया है, और संकल्प में यही हम लोगों का उद्देश्य है संकल्प के माध्यम से कि जितने भी हमारे लोग हैं, हमारा समाज जो है, हमारे आसपास के पर्यावरण को और साथ ही में जितनी हमारी नदियाँ हैं या जो भी जलधारा हैं उनको साफ सुथरा रखेंगे और उसमें पॉलीथीन वगैरह का अपशिष्ट जो है वो नहीं डालेंगे, कोई भी अपशिष्ट नहीं डालेंगे। यही इसका उद्देश्य है, इसी के माध्यम से समाज को जागरूक करने का एक प्रयास है। थैंक यू। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।